इस चेहरा को आप लोग पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये एक लापता गुमशुदा बच्ची है जिसका घर वर नहीं है, तो मेरे पापा ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, तो इस वजह से इसको हम लोग पाल पोस के बड़ा किए ये बिचारी को। तो मतलब हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी अंजू। आज फिर से गांव में घर पे, तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर घर से। चलिए आगे क्या क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो जाएंगे बाजार करने, पेठिया घूमने। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ। ये हमारा गांव का जैतपुर बाजार है। यहाँ पे लगता है बाजार नहीं, एक्चुअली में पेठिया। एंड मेरी दीदी ये जानबूझ के कुछ कुछ पूछेगी और लेगी नहीं। और किस किस को पेठिया घूमना पसंद है? मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। आज आई हूँ दीदी एंड मम्मी के साथ। अब यहाँ से बहुत सारा शॉपिंग करेंगे, बहुत सारा नहीं, स्पेशली ये आई है मछली के लिए। यू वॉन्ट मछली? ओके, वी आर गोइंग फॉर मछली नाउ। यहाँ पे लगता है साइड मछली मछली मछली, यू कैन सी। कौन वही वाला? 250। सो अब यहाँ से मछली लेंगे हम लोग। क्या एक दीदी ये छोटा वाला मछली खाए क्या आप सब? मकई के रोटी के साथ काफी बढ़िया लगता है। एंड अब यहाँ पे डिस्कशन ही चल रहा है, तब तक यहाँ दूर से देखिए ये भीड़ पेठिया का। ये है हमारा पेठिया। ये एक्चुअली में घर से 1.5 किलोमीटर आगे है, बट मेरे गांव का लगता है 0.5 किलोमीटर आगे बसरा बाजार। तो आज वो बंद है तो इसलिए आज यहाँ आए। व्हाट यू वांट? मछली की जगह पे अब लाली साग चाहिए, इन लोगों को साग चाहिए। हाँ, 40 रुपए की जी। गाइस इसको महंगा लग गया, 40 रुपए नहीं ले रही है। अब ये 10 दुकान घूमेगी, इसका और पापा का आदत एक ही है। सैलेड सैलेड बनेगा आज, सैलेड। ये हेल्दी हेल्दी खाने लगी है, डाइट पे है ना इसलिए। एंड मुझे जो मिलता वो खा लेती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है गाइस। आगे पेठिया घूमकर अब थोड़ा देर आराम करते हैं, फिर कुछ खाते हैं। खाते क्या है, जो भी मिलेगा वो खा लेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। बनना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं खुशबू इतना मस्त आ रहा है ना, मतलब भूख लगने लग चुका है। चेहरा को आप लोग पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं? अगर पहचानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ये एक लापता गुमशुदा बच्ची है जिसका घर वर नहीं है, तो मेरे पापा ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, तो इस वजह से इसको हम लोग पाल पोस के बड़ा किए ये बिचारी को। तो मतलब अगर इसके मम्मी पापा को पहचानते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या फिर आप डिटेल्स दे दीजिएगा, ताकि मैं इन मैडम को पहुंचा सकूं इनके अपने घर। ये अभी मेरे घर पे रह रही ना, थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है ये, मतलब थोड़ा सा इसीलिए। यू कैन सी द व्यू, एंजॉय कीजिए, कितना प्यारा लगता है ना, ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी। एंड हम लोग के घर के पीछे ना लीची है, लीची, बट इस बार मुझराया ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का सा। वहाँ पे पीछे केला भी है, वहाँ पे नींबू भी है, तो मतलब ऐसा है हम लोग का घर के बैक साइड। और फ्रंट साइड तो देख ही सकते हैं, मेन रोड है, NH है, और पीछे इतना खूबसूरत सा हरियाली है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज गांव में है तो आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए 6 बजे, ऐसे तो ये जल्दी उठ ही जाती है, बट मेरे लिए ये थोड़ा सा शॉकिंग था क्योंकि दादी के साथ जाना, तो पीछे से आ रही है दादी हमारी, वो हम लोग को लेके जा रही है गांव अंदर, उस पर इनको कुछ काम है, उठना पड़ जाता है। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को हमारा गांव। तो आगे हम लोग अपना पुराना घर, जिसे कहते हैं पुश्तैनी घर, तो देख सकते हैं आप सब ये कितना पुराना है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा पुराना। एंड ये पूरा फील्ड आप देख सकते हो, वहाँ से वहाँ तक ये पूरा अपना, और पीछे तो और ज़्यादा है। एंड इसको देखिए, टूटा फूटा सा है, बट ये घर बहुत पुराना, दादा मेरे थे, मतलब मेरे पर दादा टाइम एंड ऑल, ये सारा अपना ही है। एंड ये ऐसे इतना देख सकते हैं, बट अब हम लोग इसमें रहते नहीं हैं, रहते हैं रोड पे, कभी कभी आ जाते हैं घूमने के लिए। एंड दादी भी आ रही है पीछे से, देख सकते हैं ये सन कितना प्यारा लग रहा है ना। ओह माय गॉड, दिस इज द व्यू। गांव ऐसे ही प्यारा लगता है, मतलब सुकून है गांव एक्चुअली में। ये ना झाझा है, लेकिन अभी पानी सूख चुका है, नहीं तो इसमें पानी रहता है, नेपाल वाला पानी आता है, पानी रहता तो फिर हम लोग को पानी से क्रॉस करके आना होता, या तो फिर नाव रहता है, मजा आ जाता है। अभी थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो इधर से तो जाना नहीं है, तो इधर ही से हम लोग को उस साइड जाना है, तो विच इज़ क्लियर, पानी ही नहीं है। पानी रहता तो बहुत मज़ा आता है।
ऐसा लोकेशन देख रहे हैं, क्या ही कहे। सो के उठ के गाइस दोबारा, अब बस खाने पीने का देखते हैं क्या बना हुआ है आज, देखते हैं फिर खाते पीते और आप लोग से मिलते हैं। सर आज के लंच में है मोमोस, फेवरेट मेरा है, खाएंगे हम लोग। प्लीज, बहुत धूप है बहुत ज़्यादा। अब खा पी कर मस्त अब हम लोग जाएंगे बाजार घूमने। बाजार घूमने नहीं, एक्चुअली काम से। मम्मी का काम हमेशा उनको याद आता है जब हम लोग आते हैं, तो ही अब हम लोग जाएंगे। माई स्कूटी इज रेडी। माई स्कूटी इज रेडी, और काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है ना। कोई नहीं कोई नहीं, फाइनली स्कूटी से आज हम लोग गाँव घूम रहे हैं। बस डर लग रहा है कि कहीं मेरी दीदी हम लोग को गिरा ना दे वहाँ पर ना। बट अच्छा चला लेती है, ये चैलेंज है इसके लिए, बट चला लेती है, मेरे को डर लगता है। बट देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है ना ये दिन के टाइम पे। तो ये सनसेट एंड सनराइज देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ना, और देखिए गांव से इतना प्यारा नज़ारा दिख जाता है। एंड यहाँ पे चाची एंड मम्मी का देखिए कुछ नहीं हो सकता, बीच रास्ते में मिलाप चल रहा है इन लोग का। और इधर ही मैडम धूप से बचने के लिए पूरा पैक्ड है। समोसा समोसा समोसा, यहाँ से समोसा लेंगे हम लोग, क्योंकि मेरी दादी को बहुत ज़्यादा पसंद है समोसा। आप लोग ने ऐसा इंसान पहली बार देखा होगा जो मॉल घूम रही है विदाउट ये प्यारा सा इसका हेलमेट के साथ ये घूम रही है। वैसे ये क्यूट लग रही है। हाँ वही तो, देखिए ना ये क्या कर रही है, यहाँ पे आंटी भी शौक हो रही है कि ये कैसे चल रही है। वही तो, कौन है? अरे इधर मुझे देख लीजिए, ये हेलमेट के साथ ही चलने वाली है। टिकट देने गए थे होली फेस्ट का, कुछ लोगों को खुद से दे रही हूँ, तो फिर थोड़ा सा फ्रेशनेस भी जरूरी है ना। तो मॉल आ गई, और इससे ज्यादा क्या ही अच्छा हो सकता है। कुछ लेंगे यहाँ से अब।